Hello everyone, this video is going to cover all your doubts regarding BSc Nursing first semester related to classes, timing, duties, syllabus, subject, book, dress code, exams, practicals, everything. So let's start the video. Firstly, according to me, आपकी classes जो होंगी वो December से start होंगी. Maybe last November or starting of December. और आपकी classes की timing होगी 9 to 5, means 9 am to 5 pm. In between that, आपको 1 to 2 का lunch break मिलेगा. Now syllabus, IGNS में INC का syllabus follow होता है. INC आपको नहीं पता तो उसे बोलते हैं Indian Nursing Council, जो कि हमारे सारे syllabus और सारे curriculum को control करता है. और अगर आप चाहे तो ये syllabus देख भी सकते हैं. आप Google पे INC syllabus type करोगे तो आपको उसका PDF मिल जाएगा. Other than that, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं description में वो PDF पूरा डाल दूंगी, आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा curiosity है जानने की तो. अब बात करते हैं subjects की. First semester में आपके पास 6 subjects हैं. Anatomy, Physiology, Psychology, Sociology, Fundamental of Nursing 1 and Communicative English. So Fundamental of Nursing 1 first semester में and Fundamental of Nursing 2 second semester में. So yeah, ये आपके 6 subjects हैं जो आपको first semester में पढ़ना. So अब books की बात करते हैं. तो books से related यही doubt होता है कि मेरे को पहले से नाम बता दो, हम वो book खरीद लें. नहीं, यहाँ ऐसे नहीं चलता. यहाँ पे आप एक specific book से नहीं पढ़ते, बल्कि आपको बहुत सारे book का reference लेना पड़ता है. तो please don't waste your money अभी book खरीदने में, ठीक है? First आप यहाँ पे आ जाओ, आप पढ़ो, आप library जाओ, अलग अलग books पढ़ो और आपके understanding के हिसाब से आप उस book को prefer करो. I will not suggest to buy any book before coming here. लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है या आपको जाना है कि कौन कौन सी बुक्स चलती है तब तक पढ़ने के लिए, तो मैं आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका नाम बता देती हूँ. फर्स्ट इज फॉर अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यू हैव PR आसलता, जो कि काफ़ी फेमस है पर मैंने ये प्रेफर नहीं किया था. सेकेंड इज अप्लाइड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसके लिए आर शिवानी, अलग अलग बुक्स आती है दोनों की. नाउ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन के लिए बहुत सारी बुक्स है. आई क्लेमेंट एंड सिस्टर नैंसी आर द मोस्ट फेमस बुक्स. लास्टली फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, आपको चाहिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश फॉर नर्सेस बाई लीजा शर्मा. पर अगर आपको मेरे पर्सनल फेवरेट बुक्स के बारे में जानना है और आप अगर जानना चाहते हो कि मैंने कौन सी बुक को प्रेफर किया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. मैं अपने सारे पर्सनल फेवरेट बुक और जिन बुक को मैंने प्रेफर किया था वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रेस कोड. सो आप देख ही रहे हो मैं क्या पहनती हूँ. सो फॉर BSc नर्सिंग दिस डिफरेंट ड्रेस कोड एंड फॉर द GNM दिस डिफरेंट ड्रेस कोड. एंड ऑफकोर्स मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो आप मेरे ड्रेस कोड तो देख ही रहे हो. काजटी कलर का सूट सलवार With apron and eye card. Apron आपको खुद बनवाना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा. ID card आपको कॉलेज देगा. इसके साथ ब्लैक शूज विथ व्हाइट सॉक्स. एंड फॉर GNM व्हाइट कलर्ड सूट सलवार विथ स्लीवलेस एप्रन एंड ID card. वैसे तो आप जब यहाँ पे आओगे काउंसलिंग के लिए कॉलेज में तो आपको बताया जाएगा क्या ड्रेस कोड होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेथोस्कोप. तो बहुत लोगों को डाउट था क्या BSc नर्सिंग में स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, क्या मैं नीड है, क्या मैं लेना होगा. तो हाँ जी, आपको लेना होगा. फर्स्ट सेमेस्टर तो आप बिना स्टेथोस्कोप के निकाल सकते हो, पर सेकंड सेमेस्टर तक आपको स्टेथोस्कोप लेना पड़ता है. अब बात करते हैं क्लिनिकल ड्यूटीज के बारे में. सो क्लिनिकल ड्यूटीज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही लगने स्टार्ट हो जाएगी. फर्स्ट के 3 months तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं होगी, आप क्लासेस ही करोगे बस. आफ्टर दैट आपकी ड्यूटीज लगना स्टार्ट होगी. ड्यूटीज की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है. लाइक अगर आपकी ड्यूटीज है तो आपको 8 to 5 करना होगा अगर फुल डे की ड्यूटी है तो, और अगर हाफ डे की ड्यूटी है तो फ्रॉम 8 to 1. लेकिन क्लासेस जो थी वो 9 से होती है और ड्यूटीज जो है वो 8 बजे से होती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्स. तो यहाँ पे हर रोज एग्जाम होते रहते हैं. आई डोंट नो हाउ बट होते ही रहते हैं. पर एक सेमेस्टर में मेन 3 एग्जाम्स होते हैं. 2 सेशनल जिसे इंटरनल भी कहते हैं एंड 1 एक्सटर्नल जिसे यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम भी कहते हैं. सो जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं 25 मार्क्स के लिए. एक्चुअली नॉट 25, इट्स ओनली फॉर 15 मार्क्स. 10 मार्क्स फॉर योर ऑल करिकुलर जो भी आप 6 months में परफॉर्म करोगे. द क्राइटेरिया इज वंस यू पास योर इंटरनल एग्जाम देन यू कैन अपियर इन योर एक्सटर्नल एग्जाम्स. सो बेसिकली आपको किसी तरह से इंटरनल में पास होना इंपॉर्टेंट है. एंड टू जस्ट पास द एग्जाम्स यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 51% इन ईच सब्जेक्ट. अब आई नो बहुत सारे लोगों का डाउट होगा रिगार्डिंग हॉस्टल. सो हॉस्टल रिगार्डिंग जितने डाउट्स है, क्या प्रोसेस होता है, कब मिलेगा, कैसे होता है, मैं सब कुछ बताऊंगी. वेरी सून मैं वीडियो डालूंगी जिसमें थोड़ा हॉस्टल का ओवरव्यू मैं दे दूंगी और अगर उसका हो पाया तो मैं वीडियो भी दे दूंगी. अभी के लिए बस इतना जानो, अकोमोडेशन होता है वो GNM और BSc को मिलता है. जो अकोमोडेशन होता है वो GNM और BSc नर्सिंग को मिलता है. एंड फी जो होता है वो 20,000 पर ईयर होता है. हॉस्टल है आपको इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं होगा. यू हैव टू वेट फॉर लाइक 6 months to 9 months टू गेट योर हॉस्टल रूम. सो तब तक आपको बाहर ही रहना होगा. एंड 9 months के विद इन 9 months या उससे पहले ही सबको हॉस्टल मिल जाता है. और हॉस्टल जो होता है आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से मिलता है. और बाकी जितने इन्फॉर्मेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फुल इन्फॉर्मेशन हॉस्टल के मैम कैसे होता है, क्या होता है, मैं इसका फी क्या है, मेन्यू क्या होता है, जो भी है मैं सब कुछ बता दूंगी. सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट कवर कर लिए हैं. और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना उसको. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.